सुना है कि एक आदमी महात्मा गांधी जी से के लिए केवल उनके साइन लेने गया था। कुछ लोगों को महापुरुषों के हस्ताक्षर लेने का रुचि होती है ना, वो सिग्नेचर लेके रखते हैं उनके, तो वो गया, गांधी जी थे नहीं वहां। उसने 8 दिन प्रतीक्षा की, जब 8 दिन आए बाद आए गांधी जी, तो उसने डायरी बढ़ाई, बोले आपके ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, मैं ऑटोग्राफ का संकलन करता हूं और 8 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गांधी जी की आंख में आंसू थे, उन्होंने कहा बेटा ये 8 दिन का तू सदुपयोग करता जिंदगी में, तो दुनिया तेरे ऑटोग्राफ लेती, तूने ये ऑटोग्राफ या दिन तूने यही बिगाड़ा। इसलिए समय को मूल्यवान करना, यही इस देश में कालिका की पूजा है, काल की पूजा है। इसलिए आप सब भगवती के चरणों में बैठकर अपने मन में संकल्प करना आज कि न किसी का समय बर्बाद करेंगे, न किसी को अपनी जिंदगी में समय बर्बाद करने का अवसर देंगे, और यही हम कालिका की पुजारी बनेंगे। इसलिए मेरे साथ बोलो जगदम्बे मात की, कालिका मैया की, यही काल बोलो। और 12:05 हो गया है, मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। आप सब से अगले सत्र में कुछ चर्चा होगी, और इसमें हमने जिज्ञासा समाधान का सत्र भी जोड़ा था, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो वो प्रश्न लिखकर आप अपने शिक्षकों को, आचार्यों को, दीदियों को दे देंगे, वे प्रश्न मुझ तक आ जाएंगे, तो कल सत्र में मैं गुरु कृपा से यथामति यथा समय उनका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। आज 5 मिनट मैंने आपका अतिरिक्त लिया, क्षमा चाहता हूँ। बोले जगदम्बे मात की जय। और इस पवित्र उद्बोधन के द्वारा अगर आप सभी के मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप अपने उस प्रश्न को एक कागज पर लिख लें, जिस प्रश्न के उत्तर का निदान आपको कल की कथा प्रवचन में किया जाएगा। धन्यवाद। बालिका विद्यालय के प्रांगण में 3 दिवसीय कार्यक्रम समर्थ किशोरी और मातृशक्ति कथा का जो आयोजन किया गया है, जिसमें आप 2 दिन से यहाँ आप सभी माताएं आ भी रही हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के उस प्लस में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है इस आयोजन के बारे में, और इस तरह का आयोजन और होना भी चाहिए कि नहीं। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से, इसीलिए क्योंकि मेरे बच्चे क्लास 6 में पढ़ती है, फर्स्ट टाइम मेरा बच्ची इस स्कूल में पढ़ रही है, और बच्चे ने मेरे बेटा जी यहाँ पर एक सम्मेलन होगी, मातृ सम्मेलन, आपको आना है। तो मैंने बोला चलो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमें ये जानना चाहिए, हमसे यहाँ से सीख मिलेगा, और जो ये कथा चल रहा है 2 दिन से, ये कथा हम सुन रहे हैं, सुन के हमसे बहुत चीज जो होते हैं गलतियाँ, छोटे छोटे जो नहीं सोच के भी डाल देते हैं कि बच्ची है चलो ये चल कर दी है गलती, लेकिन वही गलती सुधारने के लिए जो कथा में प्रचार हो रहा है ये हर जिला में हो और हर जगह में हर स्कूल में हो, ये हम चाहते हैं। यही बोलते हैं कि हम जो मातृ है सब, हम माए लोग यही चाहते हैं कि हर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, कि हमारे बच्चे अच्छे हो, देश के लिए हो, अच्छे पढ़ाई अच्छे संस्कार में हो। ये मातृ सम्मेलन के द्वारा जो शिक्षा हमें ज्ञान मिलने में मिल रहा है, सुनने में मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। इसी के कारण मैं विद्या भारती को और सरस्वती धन्यवाद।